लखनऊ से है, जहां लखनऊ के केडी से बाबू स्टेडियम में उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सम्मानित किया गया। इस दौरान विवेकानंद राज्य युवा विजेता पुरस्कार तथा ओलंपिक खिलाड़ियों को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रमुख सचिव खेल नवनीत सहगल ने सम्मानित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का नाम जब जहन में आता है तो ऐसे युवा का नाम रहता है जिन्होंने पूरे दुनिया में कुछ कर दिखाने का काम किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वामी विवेकानंद के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सभी युवाओं को वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं और बहुत ही बहुमूल्य समय निकालकर उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तर प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जिस ढंग से उत्तर प्रदेश और भारत विश्व गुरु की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, हम सबको एकजुट होकर के स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना है और भारत माता को और मजबूती प्रदान करनी है। युवा दिवस है और राष्ट्रीय युवा महोत्सव धारवाड़ हुबली कर्नाटक में आयोजित हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज यहाँ कार्यक्रम हुआ था जहाँ युवाओं को हमने आमंत्रित किया था और जो हमारे नेशनल यूथ जो राष्ट्रीय यूथ अवार्डी हैं, विवेकानंद यूथ अवार्डी हैं और जितने हमारे ओलंपिक में खेलते हुए बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, आज उनको सम्मान करने का काम भी हमारे माननीय मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के माध्यम से हुआ है।